हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज का एक वीडियो आपको जो देखूँगा, सैमसंग कंपनी का टीवी का एक प्रॉब्लम, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ भी रीजन से ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये जो सैमसंग कंपनी का एक टीवी चैसिस है, तो ये चैसिस के ऊपर मैं एक वीडियो बनाया, ठीक है। ये सेट का जो स्टैंड बाई प्रॉब्लम, ठीक है, वो सेट का जो स्टैंड बाई प्रॉब्लम था, ड्राइवर सप्लाई का ये जो पोजीशन नंबर 402, जो डी पोजीशन नंबर डायड है, D402 का, ठीक है, ये डायड प्रॉब्लम था। और ये मैं टेस्ट किया, ये जो एक अल्ट्रा स्लिम पिक्चर ट्यूब आप देख रहे हो, ये पिक्चर ट्यूब में ट्यूब पर मैं टेस्ट करता था, ठीक है। तो सेट तो रेडी हो गया था, और हो जाने के बाद मुझे कि याद नहीं था, मैं लॉन्ग टाइम ये सेट को ऑन करके रखा है, और रखने के बाद ये अचानक सेट स्टॉप हो गया, ठीक है। तो स्टॉप होने के बाद मैं जो देखा है, इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये जो ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया, तो इसका जो नंबर था, आपको एक बार दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, ये ट्रांजिस्टर नंबर आप देख सकते हो, J6810A, ठीक है, 6810A, ये ट्रांजिस्टर था। ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो शॉर्ट गया। होने का बहुत कुछ रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे को लगता है कि ये वीडियो में आपको सब कुछ डाउट क्लियर कर देगा, क्योंकि कौन कौन रीजन हो सकता है ये ट्रांजिस्टर काट जाने का, ठीक है। तो ये पीसीबी से पूरा तरह से पीसीबी को मैं अलग पिक्चर ट्यूब से बाहर करके, सब कुछ कनेक्शन ओपन करके बाहर मैं एक ट्रांजिस्टर लगाया, और इसका शॉर्ट भी कुछ भी नहीं है, ये मैं देखा है। दिखने के बाद, लगाने के बाद ये ट्रांजिस्टर साथ साथ फिर भी शॉर्ट हो गया। तो दोस्तों, जब ये ट्रांजिस्टर लास्ट टाइम ये शॉर्ट हो गया, तो इसलिए मुझे को लगता है कि और अच्छा करके क्लियर करके देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली कौन कौन सेक्शन देखना पड़ेगा, कौन कौन पार्ट्स देखना पड़ेगा, इसके ऊपर ये वीडियो है। आप शुरू से लास्ट तक देखिए, आपका मन में जो जो डाउट आता है, मैं सब कुछ क्लियर कर देगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो करना पड़ेगा, तो मैं अभी ये रिपेयर नहीं किया, ये ट्रांजिस्टर इस कंडीशन पर शॉर्ट है। तो आपको एक बार मीटर लेके चेक करके दिखा देता हूँ, मैं मीटर को बारजा रेंज पर रखा है, ठीक है, ठीक है। और देखिए, ये ESD सप्लाई है, ठीक है, और ESD सप्लाई और ये ESD का नेगेटिव है, ठीक है। देखिए, दोनों पिन पूरा तरह से शॉर्ट देखा जाता है, ठीक है, और ये तो शॉर्ट देखा जाता है, और ये ESD सप्लाई लाइन है, ठीक है। जब ये ESD का पिन का साथ ये पिन शॉर्ट दिखाएगा, ESD सप्लाई, और देखिए जो आउटपुट ट्रांजिस्टर सप्लाई, ये पूरा शॉर्ट देखा जाता है नेगेटिव का साथ। तो दोस्तों, ये जो ESD सप्लाई का जो डायोड है, ये भी शॉर्ट देखा जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, तो आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। अब देखिए, ये नेगेटिव के साथ मैं मीटर कॉट को कनेक्शन करके रखा है, और देखिए ये सप्लाई शॉर्ट है, ठीक है, और आउटपुट ट्रांजिस्टर पिन पर शॉर्ट है। आउटपुट ट्रांजिस्टर का तीनों लेग, तीनों टांग शॉर्ट देखा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि आउटपुट सेक्शन का शॉर्ट है। तो ये कैसे रिपेयर किया जाता है, तो फर्स्ट आपको जो देखूंगा, ये जो ESD सप्लाई लाइन होता है, ये ESD सप्लाई लाइन का एक रेजिस्टेंस है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस ESD सप्लाई का रेजिस्टेंस है, आप अच्छा करके देखेगा तो देख सकते हो। तो फर्स्ट ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन करूँगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन करूँगा, देखिए ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया, ओके। अब देख सकते हो, ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन कर दिया, ये ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस, ठीक है। ओपन करने का बाद दोस्तों, इसका ESD सप्लाई तो हट गया, तो उसी का बाद आपको जो देखाऊंगा, मैं मीटर को बार्जर रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है, और ये डायोड जो जो शॉर्ट आपको दिखाया, इस टाइम आपको एक बार चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, इस टाइम ये डायोड शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम आप देखा है, ये डायोड शॉर्ट प्रॉब्लम से भी हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, ये डायोड शॉर्ट नहीं है, क्योंकि मैं इसका जो ESD सेक्शन का जो सप्लाई लाइन है, मैं ओपन करके रखा है, ठीक है, ये देखिए ओपन है। तो दोस्तों, इस टाइम ये जो सप्लाई लाइन होता है, ये ESD सप्लाई से देखिए नेगेटिव्स का साथ ये शॉर्ट है, और ट्रांजिस्टर जो होता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर, देखिए ये सप्लाई इन पिन शॉर्ट है, सॉरी, ये नेगेटिव का साथ शॉर्ट है, और ये तो सप्लाई का साथ तो ये कनेक्शन दिखाएगा, ये देखिए नेगेटिव का साथ शॉर्ट है, तीनों लेग शॉर्ट है, ठीक है। तो दोस्तों,
फास्ट एक बार चेक करना पड़ेगा कि ये पावर सेक्शन ओके है कि नहीं है, ठीक है। फास्ट पावर सेक्शन का जो आउटपुट सप्लाई, जो सप्लाई ESD पर जाता है, ये सप्लाई को एक बार चेक करके देखना होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज का बजाय इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो सकता है। तो इसलिए मैं एक 100 वाट, ठीक है, ये 100 वाट लैम्प है, ये लैम्प लेके तो दोस्तों ये जो ESD सप्लाई है, ESD सप्लाई के साथ आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। और एक जो पॉइंट होता है, ये ESD का नेगेटिव पिन पर जो नेगेटिव लाइन होता है, नेगेटिव पर आपको कनेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये डैमी लोड, ठीक है, ये जो डैमी लोड मैं 100 वाट लैम्प कनेक्शन करके रखा है, और एक बार सप्लाई देके आपको देखूंगा, वोल्टेज चेक करके भी आपको इसी के साथ वोल्टेज चेक करके देखूंगा। तो इसीलिए मीटर को 200 DC रेंज पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों चाइना का जो ESD सप्लाई वो 110 वोल्ट होता है, और सैमसंग का जो ESD सप्लाई वो 125 वोल्ट होता है, ठीक है। तो मैं एक बार सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, आप देख सकते हो लैम्प ग्लो होने लगता है। और इसी कंडीशन पर ये जो सप्लाई लाइन और ये नेगेटिव के साथ चेक करने के बाद आपको देखिए, सॉरी, ये 126 वोल्ट, अब मीटर पर फॉलो कीजिए, 126 वोल्ट। तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि पावर सेक्शन ओके है, और ये कंडीशन पर, ये पोजीशन पर 126 वोल्ट का अधिक देखेगा तो आपको पावर सेक्शन को रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट बात है, ठीक है। 125 वोल्ट का अधिक ये पॉइंट पर वोल्टेज देखेगा तो आपको पावर सेक्शन रेडी करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं 125 वोल्ट देखा है तो पावर ओके है, तो इसलिए मैं सप्लाई ऑफ कर दिया अभी, और ये तो ओके है, तो इसीलिए तो आइडेंटिफाई हो गया पावर सेक्शन ओके है, तो उसके बाद आउटपुट सेक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर तो शॉर्ट है, तो इसलिए ट्रांजिस्टर को मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको देखूँगा ये शॉर्ट रिमूव होगा कि नहीं, ठीक है। और देखने के बाद इसका प्रॉब्लम क्या है ये आपको देखूँगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली ये पोजीशन से ये ट्रांजिस्टर को मैं ओपन किया, ठीक है। ये सेम ओरिजिनल ट्रांजिस्टर मैं लगाने के बाद तब भी ये शॉर्ट हो गया, तो आप देख सकते हो ये पोजीशन से ट्रांजिस्टर को मैं ओपन किया। और तो दोस्तों फाइनली ट्रांजिस्टर को मैं ओपन किया, ठीक है, और मीटर को मैं बार्जर रेंज पर रखा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये जो नेगेटिव का साथ ये जो सप्लाई पिन शॉर्ट आपको दिखाया, ये देखिए अभी शॉर्ट रिमूव हो गया, और ये ट्रांजिस्टर का ये पिन पर शॉर्ट था, देखिए ये रिमूव हो गया, देखिए ये पिन पर शॉर्ट देखा जाता है, ठीक है। और ये पिन पर शॉर्ट दिखाएगा, ये पिन जरूर शॉर्ट दिखाएगा, क्योंकि ये जो दो पॉइंट होता है, ये दो पॉइंट का साथ ये देखिए एक डाइवर ट्रांसफार्मर है, ये डाइवर ट्रांसफार्मर का कॉयल का कनेक्शन देखा जाता है, ठीक है। एक्चुअली मीडियन पिन का साथ कनेक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है, आप देख सकते हो। और तो दोस्तों ये जो ट्रांजिस्टर आपको दिखाता हूँ, देखिए ये ट्रांजिस्टर, देखिए ये दो पिन शॉर्ट नहीं है, लेकिन दोस्तों देखिए मिडिल पिन का साथ शॉर्ट हो गया, ये देखिए ये मिडिल पिन का साथ शॉर्ट हो गया। तो दोस्तों इधर पिन शॉर्ट नहीं है, तो दोस्तों ये दो पिन भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन देखिए ये दो पिन का साथ शॉर्ट हो गया। तो ठीक है, ये मैं सेट कर देता हूँ, और ये न्यू ट्रांजिस्टर है, और आप देख सकते हो ये दो पिन शॉर्ट नहीं है, एक्चुअली पुराना वाला ट्रांजिस्टर है, लेकिन ये ट्रांजिस्टर ओके ट्रांजिस्टर है। तो ये शॉर्ट तो रिमूव हो गया, और ये काट जाने का रीज़न क्या है, तो दोस्तों अभी मैं ये लगाएगा तो तब भी ये शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि इसका ESD भी ख़राब हो सकता है, और योक का तो कोई बात नहीं है, मैं योक का कनेक्शन ओपन करके रखा है, ठीक है। तो और जो रीज़न होता है आपको क्लियर करके देखने की कोशिश करूँगा कि आप देखिए शॉर्ट तो रिमूव हो गया, ये देखिए ये जो ESD से जो वोल्टेज आउटपुट होता है ये पिन पर
और ये पिन से वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है। और ये जो पिन होता है, ठीक है, ये लाइन ये पिन पर आता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर, ठीक है। ये कलेक्टर पिन से और ये जो ESD पिन, ये लाइन से जो जो पार्ट्स, ठीक है, जो जो पार्ट्स कनेक्शन है, मान लो एक डायोड है, ये भी ख़राब हो सकता है, और ये एक PF है, बूस्ट PF 1600 वाला, ये भी ख़राब हो सकता है। और दोस्तों ये चैसिस पर और कुछ पार्ट्स नहीं है, ठीक है, और अलग अलग सेट पर आपको और दो चार पार्ट्स देखने को मिलेगा, ठीक है, छोटा PF भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और कुछ और बहुत कुछ रीजन हो सकता है, लेकिन ये चैसिस पर सिर्फ ये एक डायोड है और एक बूस्ट PF है जो 1600 वाला PF है, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर को एक बार लगाऊंगा, लगाने के बाद एक बार ये डायोड और PF को एक बार ओपन करके देखूंगा, ठीक है। तो ये ट्रांजिस्टर को मैं लगा देता हूँ फास्ट, ये अभी मैं सोल्डरिंग नहीं किया है, और उसका बाद जो देखूंगा इसका जो बूस्ट PF, ये जो 1600 वाला बूस्ट PF, ठीक है। ये देखिए, ये जो डायोड है और ये एक 1600 वाला बूस्ट PF है, इसका वैल्यू मैं एक बार ओपन करके देखूंगा। दोस्तों ये PF है, और ये PA बाहर से तो ओके देखा जाता है, और इसका जो वैल्यू है आप देख सकते हो, ये PF का जो वैल्यू 772, ठीक है, 772H S1600V। तो एक्चुअली ये 1600V मतलब 1600 वोल्ट PF, और 772 मतलब होता है 7.7K, ठीक है, 7.7K इसका PF वैल्यू है। तो ये देखिए थोड़ा सा फोला फोला लगता है अंदर से, ठीक है, तो लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, और इसका दो रीजन हो सकता है मेनली, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर लगाने के बाद साथ साथ काट जाता है, ठीक है, तो ESD भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये PF भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा पास एक PF है, देखिए ये ब्लू वाला PF है, लेकिन इसका जो वैल्यू है 7N7J2K, ठीक है, एक्चुअली इसका जो वैल्यू 7.7K का ही PF है, और ये 2KV का PF है, ठीक है, ये इस पर मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा रुकिए, आपको ये PF लगाने का बाद एक बार डायरेक्ट लाइन देके देखूंगा। तो दोस्तों ESD भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये आपको बताता हूँ, क्योंकि फास्ट ESD चेंज करना और ESD खरीद करना यह अलग बजट हो जाता है, तो इसलिए फास्ट ये जो नॉर्मल सा पार्ट्स ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये लगाने के बाद ओके हो जाएगा तो अच्छा बात, और नहीं होगा तो आपको नेक्स्ट टाइम ESD चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों उसका पास एक डार्ड है, वो भी चेंज करके देखना पड़ेगा, तो बाद में मैं चेक करूँगा। तो एक बार ये PF को लगा के बस देख लेता हूँ। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, ये जो बूस्ट PF 1600 वाला PF जो होता है, एक्चुअली ये मीटर से आपको ओके दिखाएगा, क्योंकि मीटर पर ये रीडिंग नहीं देगा, ठीक है, और ये अधिकतर ओपन हो जाता है, और ओपन करके ये PF ओपन करके आप सेट पर लाइन देगा, कोई लाइन देगा तो इस तरह प्रॉब्लम होगा, ठीक है। आप ये PF को ओपन करके काफ़ी सेट पर लाइन मार दीजिए, क्योंकि लाइन देने के बाद आप पिक्चर ट्यूब पर कनेक्शन करके रखा है, तो आपका पिक्चर ट्यूब भी प्रॉब्लम हो सकता है, पिक्चर ट्यूब का गन स्पार्क का प्रॉब्लम हो सकता है, और इसका आउटपुट ट्रांजिस्टर भी साथ साथ काट जाएगा, ठीक है। ये PF ओपन होने का बाद इस तरह प्रॉब्लम, और ओपन करके लाइन देगा तो इस तरह प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये मैं न्यू PF लगाया और ट्रांजिस्टर भी लगाया, और उसका बाद सप्लाई देने का टाइम आ गया। और दोस्तों एक बात, ये सप्लाई तो मैं ESD सप्लाई ओपन करके रखा है, तो इसीलिए सप्लाई में लाइन कनेक्शन काट देता हूँ। ये सप्लाई में कनेक्शन काट दिया,
और उसका बाद मैं तो डायरेक्ट लाइन देगा, तो इसलिए ESD कैप को थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ESD ऑन हो जाएगा तो वो कैप से फायरिंग होगा। और बेस बोर्ड को थोड़ा सा मैं दूर रख देता हूँ, क्योंकि ये बेस बोर्ड है। और वोल्टेज का साथ आपको देखूँगा, ठीक है। तो मीटर को मैं 200 DC रेंज पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और मीटर का जो नेगेटिव, ये मैं अलग कनेक्शन कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा रुकिए, आपको डायरेक्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यार रियल आता है, ठीक है। इसका बाद प्रॉब्लम आएगा तो ज़रूर आपको सॉल्व करके देखूँगा, और रेडी होगा तो अच्छा बात है, ठीक है। अब मीटर पर फॉलो कीजिए, और मैं 110 पर ये मीटर को सिलेक्ट करके रखता हूँ, ठीक है। और उसका बाद मैं लाइन देता हूँ, ठीक है। दोस्तों देखिए, मैं लाइन दे दिया, 127 वोल्ट आ गया ESD पिन पर, और ESD भी चालू हो गया, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो और देखूंगा ESD चालू है कि नहीं है। 100 जो 80 वोल्ट लाइन होता है, ये 180 वोल्ट का लाइन, ये पर वोल्टेज देखिए 89 वोल्ट है, क्योंकि मैं ये कॉइल ओपन करके रखा है, और ये कॉइल कनेक्शन देगा तो ये 180 वोल्ट के आसपास हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।